सहयोगियों, साथ संगठी, निमंत्रण से आप लोग फतेह करते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज मैं तुहानूं ते अपनी कौम नूं बधाई दिंदा है कि 324 साल हो गए हैं जदों गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने खालसे नूं सरजिया सी। लोगों के अंदाजे सी कि खालसा खत्म हो जाऊगा, पर खालसा चढ़ती कला दे विच अपने पैरों ते खड़ा है। और जे लड़ाई का समा होया खालसा लड़ाई के लिए भी तैयार है। कोई किस्म किस्म की घाट खालसे दे विच नहीं है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज का हुक्म है कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तभी गुरु गोबिंद सिंह अपना नाम कहाऊं। 1.25 लाख के नाम एक लड़ौना बहुत मुश्किल होता है। जो कोई पढ़ लिख जाता है तो वो समझता है कि एक 1.25 लाख के नाम हंकार पैदा होया सी। फिर जेड़े मेरे विच होमे हंकार से वो 1984 दे विच निकल गया। जो मैं देखिया संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले सोवियत रूस बरतानिया ते इंडिया दीयां फौजां तिन्नां दे नाल 72 घंटे लड़े, तीन दुनिया दीयां मन्नियां होईयां परमाणु फौजां नूं दरबार साहब दे विच 72 घंटे अंदर नहीं आउण दित्ता। टैंक चले, तोपां चलियां, पर संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले अखीर दे विच जिहड़े दरबार साहब ते अकाल तख्त साहब दे विचारे दो निशान साहब है उत्थे आ के उन्होंने आखिरी लड़ाई दित्ती। उन्हां दी छाती दे विच 72 गोलियां सी, 72 गोलियां छाती दे विच। इस संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले ने ते उन्हां दे साथियां ने इह हिंद हकूमत नूं लड़ाई दित्ती। ते जिहड़े हिंद हुकूमत दे हंकारी सी जिन्हां ने दरबार साहब दे उत्ते हमले कीते ओह सारे मैं किसे दा नां नहीं लैंदा, पर साध संगत जी उन्हां चों कोई भी अपनी मौत ते नहीं मरिया। ज्ञानी जैल सिंह इंडिया के प्रेसिडेंट रहे हैं, तुहानूं शायद याद नहीं होगा कि वो भी अपनी मौत नहीं मरे हैं। ये इहो जी सिख कौम है कि जिहड़ी किसे दे पिछे पै जाए ते अगे हाथ नहीं खड़े करती। हुकूमत कहती है कि अमृतपाल सिंह सरेंडर करे, किसे साडे गुरु ने सरेंडर नहीं किया। भाई बोता सिंह, गर्जा सिंह ने तरन तारण साहब चौंकी लाती सी,
शहीद हो गए, सरेंडर नहीं किया। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने हाथ चक के सरेंडर नहीं किया। सिख कदे अपना हाथ चक के सरेंडर नहीं करते, जा मारे जाते हैं जा मारे जाते हैं। सिख ने कदे सरेंडर नहीं किया। सो मोदी हुकूमत ते भगवंत जी ते हिंदुत्वा जी ऐना समझो कि 324 साल बाद जेड़ा गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने खालसा तैयार किया, वो तोड़े अगे सरेंडर करूगा। सरेंडर नहीं करूगा खालसा कदे भी। मर जाइए पर सरेंडर नहीं है। सिखां दी शताब्दी दे विच हथ खड़े करने है नहीं गए। असी लड़ते लड़ते मर जाते हैं पर किसी के अगे हाथ नहीं जोड़ते। अज साडी हुकूमत साडे उत्ते जबर कर रही है, बच्चों के उत्ते घर रेटा दिखा जा पुलिस दिया, उन्होंने टेलीफोन मोबाइल जब्त किए जाते हैं। यह सारा कुछ नजायज है। जिहड़ी जायज हुकूमत होंदी है उहदी जायज पुलिस ते फौज होंदी है, ते फौज ते पुलिस जिन्हां ने नजायज काम कीते है उन्हां दा की हाल होया। मैनूं कोई कहिंदा सी कि जी सानूं उत्तों हुकम हुंदा असी टेलीफोन फड़ लीए, असी जथेदारां नूं थाने दे विच बुला लीए। मैं कहा कानून यह कहिंदा कि तुसी उन्हां नूं रुका भेजो, उन्हां नूं तलाशी का वारंट दिखाओ, उन्हां नूं गिरफ्तारी का वारंट दिखाओ, फिर तुसी तलाशी भी कर सकते हो जबत भी कर सकते हो गिरफ्तार भी कर सकते हो। पर जे तुसी नजायज करते हो इहदे नतीजे भुगतने पैणगे। जिवें जर्मना ने दूजे संसार दे जंग दे विच न्यूरनबर्ग शहर दे विच भुगते, ये जर्मना ने 60 लाख यहूदी ते कॉमरेड मारते सी। जो जंग खत्म होया एक जर्मन दे विच शहर है न्यूरनबर्ग, उत्थे इन्हां दियां हाजरियां पईयां, वड्डे वड्डे जरनैल सी। उन्होंने कहा जो असी कीता सानू साडी सरकार का हुक्म सी, पर उत्थों दे जजां ने कहा कि तुसी नजायज हुक्म मनुखता दे खिलाफ किसी का नहीं मन सकते। जेकरा सिखां नू जानों मारता अजे तक उहदा केस रजिस्टर नहीं होया। कश्मीर तो बाद लेंदे वाले पासे दे इलाके आ जांदे आ जिथे गोरखे रहिंदे आ,
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੋਰਖਾ ਲੈਣ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਮੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਾਕੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਣੀਪੁਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਮੀਜ਼ੋ ਕੌਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾਗੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰੂਪ ਚੰਦ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖੋਗੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉੱਤਰਾਂਚਲ ਅਸਾਮ ਮਣੀਪੁਰ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਮੀਜ਼ੋ ਅਰੁਣਾਚਲ ਇਹ ਕੌਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇਹ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਜੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾਓਗੇ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਿਓ ਐਨਐਸਏ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੱਟੂ ਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਇਹ ਲੜੂਗਾ ਇਹ ਜਿੱਤੂਗਾ ਜੋ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਹੈ ਚੱਲਦਿਆਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੱਲਦੇ ਹੜ ਕੇ ਹਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਟੇਜ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠਾ ਸਟੇਜ ਕੋਲੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਸਟੇਜ ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਚ ਆਓਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਣਗੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੇ ਸੇ ਲਾ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਅਗਤੇ ਲਾ ਦੇਗਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਫਾਂਟ ਦੇਗਾ ਤੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਫੌਜ ਰਿਹਾ ਕਰੂਗੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਰਿਹਾਈ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਫੌਜ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਚੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢੋ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸੋਇਲ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਆ ਜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲਾਨਾ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੈ ਬਗੈਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੋ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਫਰਾਂਦਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦੇ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ
नहीं होना जिंदा मर्जी करके देख लो।